हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है राइनाइटिस। राइनाइटिस जो है उसके बारे में आपका डिस्कस करते हैं। देखिए, राइनाइटिस जो वर्ड है उसमें ITIS का मीनिंग आपको पता ही है कि बेसिकली क्या होता है, इन्फ्लेमेशन आपका, ठीक है। तो बेसिकली राइनाइटिस जो है वो एक इन्फ्लेमेटरी आपका बेसिकली क्या है, कंडीशन है आपका, ठीक है। तो राइनाइटिस किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, यदि हम इस बात को आपका डिस्कस करें तो बेसिकली राइनाइटिस जो है वो आपका इन्फ्लेमेशन है आपका, ठीक है, यानी कि इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ आपका नेसल म्यूकोशा, यानी कि जो हमारी नेसल म्यूकोशा है, यानी हमारी नेसल कैविटी की जो लाइनिंग होती है उसके आपका जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, इन्फ्लेमेशन है, उसी को बेसिकली आपका क्या बोल देते हैं, राइनाइटिस बोलते हैं आपका, ठीक है। और ये जो आपका नेसल म्यूकोशा का आपका जो इन्फ्लेमेशन है उसका मोस्ट कॉमन आपका कोज यदि है, मोस्ट कॉमन आपका कोज यदि उसकी हम बात करें तो आपका मुख्य जो कारण है इन्फ्लेमेशन का नेसल म्यूकोसा के, तो इन्फ्लेमेशन का मुख्य कारण जो है वो बेसिकली आपका क्या है, वायरस है आपका, ठीक है। यानी कि जो वायरस है, विषाणु है, उन विषाणुओं के इन्फेक्शन के कारण हमारी जो आपका नेसल म्यूकोसा है उसका आपका इन्फ्लेमेशन आपका हो जाता है और वही कंडीशन आपका क्या कहलाती है आपका, यानी कि राइनाइटिस आपका कंडीशन कहलाती है। वायरसेस का एक ग्रुप है स्टूडेंट्स, ठीक है, और वो जो आपका वायरसेस का आपका जो ग्रुप है वो हमारी नेसल म्यूकोशा को आपका क्या करता रहता है, इन्फेक्ट करता रहता है। तो वायरस का बेसिकली एक क्या है, यानी कि ग्रुप ऑफ आपका वायरस है वो आपका इन्फेक्शन करता है और बेसिकली आपका राइनो वायरस आपका, ठीक है। तो राइनो वायरस आपका जो ग्रुप है या राइनो वायरस जो वायरसेस की फैमिली है उसके जो वायरस है वो बेसिकली आपका नेसल म्यूकोसा का आपका क्या करते हैं, इन्फेक्शन, और जिसके कारण आपका बेसिकली क्या स्टार्ट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन की कंडीशन जो है वो आपका स्टार्ट हो जाती है। तो नेसल म्यूकोसा का इन्फ्लेमेशन ही बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, राइनाइटिस कहलाएगा आपका। इसी राइनाइटिस के आपका अदर आपका यदि आपका नाम देखें तो आपका ऑल्सो नॉन एज, ठीक है, ऑल्सो नॉन एज बेसिकली कॉमन कोल्ड, इसी को आपका क्या बोल देते हैं, आप कॉमन कोल्ड बोलते हैं। यही बेसिकली आपका क्या है, कोराइजा, ठीक है, इसी को बेसिकली आपका क्या बोल देते हैं, कोराइजा बोलते हैं। और यही आपका क्या है, रनिंग नोज है आपका, ठीक है, रनिंग नोज, ये बेसिकली आपका रनिंग नोज है आपका। तो कोराइजा कह दो, कॉमन कोल्ड कह दो, या राइनाइटिस या फिर आपका रनिंग नोज, ये तीनों आपका एक ही बात है आपका। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें, साइंस एंड आपका सिम्टम्स की बात करें, तो क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स आपका राइनाइटिस की कंडीशन के अंदर आपका प्रेजेंट होंगे क्लाइंट को, तो देखिएगा सबसे पहले तो बेसिकली क्या प्रेजेंट रहेगा, राइनोरिया, ठीक है, बेसिकली क्या रहेगा, राइनोरिया आपका प्रेजेंट रहेगा, यानी कि आपका नेसल क्या रहेंगे, नेसल डिस्चार्ज, ठीक है, यानी कि नेसल जो डिस्चार्ज हैं वो आपका प्रेजेंट रहते हैं। नेसल डिस्चार्जेस को ही बेसिकली क्या बोल देते हैं, राइनोरिया बोलते हैं, राइनोरिया आपका प्रेजेंट रहते हैं। इन्फेक्शन आपका इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन है तो स्लाइट आपका फीवर भी आपका उपस्थित हो सकता है, तो आपका स्लाइट फीवर जो है उसकी आपका प्रेजेंस होगी। हेडेक होगा डेफिनेटली आपका, ठीक है, तो हेडेक होगा आपका। उसके बाद में आपका ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ठीक है, तो आपका नॉस से रिलेटेड कंडीशन है, तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी जो है वो भी होना आपका क्या है, एक सामान्य बात है आपका, ठीक है। तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी आपको बताए, जुखाम लगती है तब आपका सांस लेने के अंदर आपका क्या होती है, परेशानी हो जाती है आपका। और आपका रेडनेस ऑफ नॉज, यानी कि रेडनेस की आपका स्थिति प्रेजेंट रहती है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में देखें तो राइनोरिया, नेसल डिस्चार्ज रहेगा, स्लाइट फीवर रहेगी, हेडेक रहेगा, ब्रीदिंग आपका डिफिकल्टी रहेगी, कई बार आपका नोज जो है वो आपका क्या हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है। यही सब आपका क्या है, जुखाम के लक्षण है। और सामान्यतः जुखाम जो है वो किसके कारण होती है, वायरसेस के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण आपका जो जुखाम है वो बहुत ही आपका कम होती है, हालांकि आपका एंटीबायोटिक्स खाते हैं, आपका डॉक्टर्स जो है वो एंटीबायोटिक लिखते हैं, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए लिखते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद में देखें आपका डायग्नोसिस, तो आपका डायग्नोसिस जो है वो आपका जुखाम का क्या होगा, क्या आपका डायग्नोस्टिक फीचर्स रहते हैं आपका, ठीक है। तो बेसिकली डायग्नोसिस के अंदर डॉक्टर्स जो है वो DNS के लिए आपका देख सकते हैं, डिविएटेड नेसल सेप्टम के लिए, कि आपका डिविएटेड नेसल सेप्टम की जो कंडीशन है उसके अंदर आपको पता ही है कि आपका फ्रीक्वेंट क्या रहता है, फ्रीक्वेंट
कॉमन कोल्ड रहती है आपका, ठीक है, कॉमन कोल्ड आपका, ठीक है। तो ऐसे आपका लोग जिनके अंदर डीएनएस की कंडीशन है, उनके अंदर आपका जुखाम जो है वो बेसिकली क्या होती है, आम होती है। तो डीएनएस के लिए चेक कर सकते हैं। एलर्जीज आपका, तो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर आपका जो आपका नेसल कैविटी है उससे रिलेटेड एलर्जिक कंडीशन के लिए आपका देख सकते हैं। या फिर आपका इम्यूनो डेफिशियंसी, जो आपका पेशेंट आपका इम्यूनो डेफिशियंस है आपका, ठीक है, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी आपका क्या है, लोवर्ड है आपका, ठीक है, यानी कि कम है, तो उनके अंदर भी आपका जुखाम क्या है, आम है आपका। और साथ में आपका ऐसे लोग जो आपका इन्फेक्टेड है, क्लोज कॉन्टेक्ट विद, ठीक है, क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड आपका, यानी कि लोग जो आपका लोग इन्फेक्टेड हैं उनके आपका क्लोज कांटेक्ट में आए हैं, तब भी आपका क्या हो सकता है, आपका जुकाम हो सकती है। तो ये बेसिकली आपका डॉक्टर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, आपका यानी कि डायग्नोसिस के लिए जुकाम के आपका पता लगा सकते हैं। इन आपका चीजों के लिए डीएनएस के लिए चेक कर सकते हैं, एलर्जी के लिए आपका आपका पूछ सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं, आपका किसी के कॉन्टेक्ट में आए हैं तो उसके बारे में आपका डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। तो इम्यूनो डेफिशिएंसी के लिए आपका चेक कर सकते हैं। फिजिकल आपका एग्जामिनेशन की बात करें तो बेसिकली आपका डिस्चार्जेस फ्रॉम नोज, ठीक है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में डिस्चार्जेस फ्रॉम नोज, यानी कि वही आपका राइनोरिया, राइनोरिया आपका प्रेजेंट रहेगा उसके लिए आपका देखेंगे आपका। और साथ में यदि डीएनएस है तो उसके लिए आपका देखेंगे। और कई बार आपका जो नेसल पॉलिप्स होते हैं उनके लिए भी आपका क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन में डिस्चार्जेस फ्रॉम नॉज, डीएनएस और नेसल पॉलिप्स जो हैं उनके लिए बेसिकली आपका क्या किया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जाता है। स्टूडेंट्स यदि मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो आपका मैनेजमेंट क्या होगा, तो आपको पता ही है कि जुकाम के अंदर जो मैनेजमेंट रहता है वो सामान्यतः आपका क्या रहता है, सिम्टोमेटिक आपका ट्रीटमेंट रहता है या मैनेजमेंट रहता है, सिम्टोमेटिक आपका ट्रीटमेंट रहेगा। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अंदर फीवर है तो फीवर के लिए आपका क्या प्रेस्क्राइब करेंगे, आपको पता ही है एंटीपायरेटिक्स, तो जो डॉक्टर्स हैं वो एंटीपायरेटिक्स को आपका प्रेस्क्राइब कर सकते हैं आपका। और आपका पेन है तो उसके लिए आपको पता ही है कि एनाल्जेसिक्स, ये तो आपका कॉमन बात है आपका, एनाल्जेसिक्स और एंटी आपका पायरेटिक्स। और यदि एलर्जीज हैं तो आपको पता ही है एंटी हिस्टामाइन आपका, ठीक है, तो आपका एंटी हिस्टामाइन ये बेसिकली किसके लिए, एलर्जी या आपका इन्फ्लेमेशन को आपका सप्रेस करने के लिए। यदि आपका नेसल ब्लॉक है तो उसके लिए आपका स्टीम इनहेलेशन आपका। और साथ में आपको ये भी पता है कि जो स्टीम है उसमें टेम्परेचर आपका क्या रहेगा, हाई रहेगा वाटर का या फिर वाटर वेपर का, तो जिसके कारण वायरस वायरस आपका क्या नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं करेंगे कर पाएंगे आपका। तो स्टीम आपका क्या रहेगा, यानी कि इनहेलेशन, तो बेसिकली स्टीम इनहेलेशन जो है उसके लिए डॉक्टर क्या कर सकते हैं, आपका बोल सकते हैं, प्रेस्क्राइब कर सकते हैं आपका, ठीक है। बॉडी को आपका वार्म करना रखना है आपका, तो कीप बॉडी वार्म, ठीक है, कीप बॉडी वार्म, पेशेंट की आपका बॉडी जो है वो आपका वार्म रहनी चाहिए आपका, ठीक है। और साथ में आपका यानी कि बेटर आउटकम के लिए, यानी कि जो आपका बेसल मेटाबॉलिक आपका रेट होती है वो बेसिकली आपका क्या होनी चाहिए, बीएमआर हाई होनी चाहिए आपका, ठीक है, क्योंकि बॉडी आपका वार्म तभी रहेगी, बीएमआर आपका क्या रहनी चाहिए, हाई। तो इसके लिए आपका क्या करें, ईट मोर, तो जुकाम लगे तब आपका ज्यादा खाना चाहिए ताकि बीएमआर बढ़े, बॉडी वार्म रहे, वायरस की आपका क्या नहीं हो पाएगी, ग्रोथ आपका नहीं हो पाएगी आपका, ठीक है। यदि कॉम्प्लिकेशन